अस्सलाम वालेकुम। फूड स्टाइल के बारे में आज बनाया पालक आलू कीमा, वो भी झटपट मेरे स्टाइल में। मैंने आधा कप तेल लिया है, इसमें मैंने एक प्याज डाला, उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। इसमें 2 चाय का अदरक लहसुन, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन, और मैंने इसमें डाला 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, और आधा चम्मच पिसा हुआ पिसी हुई हल्दी, और आधा चाय के चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच कुटी मिर्च लाल मिर्च, उसको डाल के मैं अच्छे से उसको भुनाई कर लूँगी। साथ में 1 पाव कीमा डाल के उसको मैं भून लूँगी। जब अच्छा सा भुन जाए कीमा, जब कीमा भुन जाए तो इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी, और उसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आँच पर, यानी दरमियाना आँच पर उसको मैं इतनी देर पकाऊँगी कीमा गल के भुन जाए। और आज देख लीजिए, और इतने अब ये मेरे कीमा भुनाई पे आ चुका है। मैं 3 से 4 टमाटर का पेस्ट डालूँगी, इसको भी साथ में भून लूँगी। ये भी भुनाई पे आ चुका है। मैं नमक हफ्ज़ जायका डालिएगा जितना आपको पसंद है, और इसी स्टेज में सॉरी आपको बताना भूल गई, 1/2 चम्मच गर्म मसाला भी डालिएगा। और ये पालक और आलू, पालक 1 किलो है बारीक कटी हुई, और 1/2 किलो आलू है, और मैंने उसको सॉरी दिखाना भूल गई, तो आप अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने पालक और आलू एक साथ ही डाला। इसे थोड़ी देर तेज़ आँच पर भुनाई करने के बाद, इसके पानी खुश्क होने के बाद, उसके बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट, डिपेंड करता है कि आपका कितनी मतलब कितना आलू गल गया है, तो उसके बाद मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाया था। ज़बरदस्त आलू कीमा तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा। सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।